देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। स्वागत है आप सभी का दर्शकों हमारे चैनल में। एक बफर से मैं आप सभी के बीच आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूं ये खास कार्यक्रम बॉलीवुड की वेजेरियन एक्ट्रेस नीतू कपूर को लेकर, जिन्हें हाल ही में आपने देखा सुपर आंसर शो में और काफी ज्यादा जलवा बिखेरती नजर आई वो। और इसके बाद नीतू कपूर को डांस के जरिए देखा गया। ऋषि कपूर को याद करते हुए ऋषि कपूर और नीतू को दिए जाने वाले ट्रिब्यूट को लेकर काफी इमोशनल हुई नीतू कपूर। इतना ही नहीं, आपको बताना चाहेंगे नीतू कपूर अपने बेटे को लेकर भी कई बातें साझा करते नजर आए। बीते कुछ टाइम से नीतू अपने आप में काफी बदलाव करते नजर आई है। नीतू खुलकर अपनी बातें रख रही है। अब ऋषि कपूर जी नहीं है तो नीतू कपूर जी ही है जो हर बात कपूर परिवार की लोगों तक पहुंचाती हैं। इसी बीच नीतू कपूर ने अपने बहुत ही करीबी दोस्त जैसे सन इन लॉ भारत सहानी को लेकर किए हैं कुछ खुलासे। बिजनेसमैन भारत सहानी, जिनका फिल्मों से कोई नाता नहीं, कोई ताल्लुकात नहीं, लेकिन फिल्मों के बड़े परिवार के सबसे लाडले सन इन लॉ है भारत सहानी। तो अब उस भारत सहानी के साथ रिश्ते को लेकर, कपूर फैमिली में उनकी बॉन्ड को लेकर और कैसे ये रिश्ता बदला रिश्तेदारी में मोहब्बत से, इस बारे में क्या बताया है नीतू ने, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। वेजेरियन एक्टर नीतू कपूर के बारे में बात की जाए तो सब जानते हैं नीतू कपूर एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने सोशल मीडिया पर हमेशा सुर्खियां बटोरी हैं। नीतू कपूर अपनी करियर को लेकर हमेशा चर्चा का विषय बनी रही हैं, लेकिन अपने निजी जीवन को लेकर भी हमेशा अपनी बेबाकी की वजह से नीतू कपूर चर्चा का विषय बनी रहती हैं। जी हाँ, आप सभी को बताना चाहेंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में कैसे नीतू कपूर ने अपने सन इन लॉ के साथ अपने रिश्ते को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें की थी। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में नीतू कपूर ने अपने सन इन लॉ के साथ अपने रिश्ते के लिए कहा था बेटी रिद्धिमा के पति भारत सहानी को लेकर। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में बेटी रिद्धिमा के पति भारत सहानी को लेकर नीतू कपूर ने स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट देते हुए उन्होंने कहा कि वो उनके दामाद कम उनके बेस्ट फ्रेंड ज़्यादा है। अपनी बेटी और अपने दामाद को लेकर नीतू कपूर ने कई खुलासे किए। उन्होंने बताया कितना स्ट्रांग है उनका रिश्ता भारत सहानी के साथ। नीतू कपूर ने रिवील किया कि उन्होंने एक बार जब उनसे मिली तो कहा, रिद्धिमा कपूर जब भारत से मिली थी, जब दिल्ली में रह रहे थे, अभी फ़िलहाल तो वो दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन आपको ये शायद मालूम ना हो कि भारत सहानी कभी रहा करते थे लंदन में एजुकेशन कंप्लीट करते हुए। और एजुकेशन कंप्लीट करते हुए जब लंदन में रह रहे थे भारत सहानी, तब उनकी मुलाकात रिद्धिमा से हुई। मुलाकात को लेकर भारत सहानी ने कई बातें शेयर की थी और इसे लेकर नीतू ने बताया था उनकी पहली मुलाकात के बारे में। इसी के साथ साथ उन्होंने जानकारी दी थी कि जब दोनों मिले तो फिर एक दूसरे को 3 साल जानने के बाद वो वापस लौटे और ऋषि कपूर को, यानी कि नीतू के पति को, बॉलीवुड के इस वेटेरियन एक्टर को उन्होंने बताया कि कुछ 1 साल दें, उसके बाद अगर सेम उन्हें महसूस होता है तो वो रिश्ता ज़रूर जोड़ लें। ये कहा नीतू कपूर के पति ने इन दोनों के रिश्ते को लेकर। नीतू ने बताया वो दोनों एक दूसरे के साथ जानते थे कि एक दूसरे के लिए बने हैं और वो दोनों शादी भी करने वाले हैं। उनका कहना है, द लवलीएस्ट थिंग अबाउट भारत इज़ दैट वेन एवर ही मीट्स ही ब्रिंग्स मी फ्लावर्स। दरअसल जब भी नीतू कपूर से उनके दामाद मिलते हैं तो हमेशा फूलों का गुलदस्ता ज़रूर लाते हैं वो अपनी सासू माँ के लिए। और ये कहना है नीतू कपूर का अपने पति को लेकर कि वो अपने पति के ना होने पर भी अपने बेटे जैसे दामाद का हमेशा सपोर्ट पाती आई हैं। तो चलिए हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि नीतू कपूर को हमेशा सपोर्ट करने होने वाले उनके दामाद, जो करोड़ों का बिजनेस करते हैं दिल्ली में रहकर, और बिजनेस की वजह से अपनी पत्नी को वहीं रखते हैं, अपने बच्चे को भी वो वहीं रखते हैं। उनका कहना है खास नीतू कपूर उनके लिए माँ समान हमेशा रही हैं। एक ऑनलाइन लाइफस्टाइल पोर्टल को दिए गए इंटरव्यू में नीतू ने कुछ टाइम पहले ये खुलासा किया। फ्लावर्स के साथ, ग्रेट गेस्चर के साथ हमेशा नीतू कपूर से मिलने वाले उनके दामाद की बात की जाए तो एक परफेक्ट मैच है उनकी बेटी के लिए, रिद्धिमा के लिए उनके पति।
बहुत लकी है उनकी बेटी कि उनके पास भरत जैसा पति है। उनकी लव स्टोरी की बात की जाए तो ये लव स्टोरी इसलिए ही सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वहीं आपको बताना चाहेंगे, हमारी इस खास रिपोर्ट में नीतू कपूर ने एक बार ये राज भी खोला एक इंटरव्यू में कि बहुत ही सिमिलर लव स्टोरी है। जैसे नीतू और ऋषि की लव स्टोरी है, वैसे ही उनकी बेटी और उनके पति की लव स्टोरी है। बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट अपने रिश्ते को रखना इन्होंने पसंद किया है। नीतू ने कहा, द वे रिधिमा एंड भारत गॉट एंगेज्ड इज सो रेमिनिसेंट द वे ऋषि एंड आई डिड। ऋषि एंड नीतू एक दूसरे के लिए जिस तरह प्यार में पड़े थे, एक फिल्म जहरीला इंसान के सेट पर ना साल 1974 में, और ऐसा ही इनकी कहानी है। मुलाकात स्टडीज़ के दौरान रिधिमा और भारत की हुई थी। अपने काम के सिलसिले में थे वो समय। फर्स्ट साइट, फेल इन लव फर्स्ट साइट जो होता है, नीतू और ऋषि की ये कहानी है। और ऐसी ही कहानी रिधिमा और भरत की भी है, फेल इन लव इन द फर्स्ट साइट वाली स्टोरी। और ये बात उन्होंने खुद से ही है बताई। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में इस बारे में कि कैसे नीतू कपूर ने इस बारे में खुलकर अपनी बातें रखी और आगे उन्होंने कई और जानकारियाँ भी पेश की। उन्होंने बताया कि कैसे वो आगे बढ़ती गई अपनी ज़िंदगी में, वैसे ही उनकी बेटी को सपोर्ट भी करती रहीं आगे बढ़ने के लिए। भारत अख्तानी के हस्बैंड को पहले से ही अपनी बेटी के साथ, उनकी शादी से पहले से ही वो उनको जाना करती थी। नीतू कपूर ने ये बात सबको बताई कि वो पहले से ही जाना करती थी। भारत सहानी की बात की जाए तो पहले से ही वो जाना करती थी उन्हें। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासे किए ये और कहा, सी डिस्क्लोज द नेम एंड टॉक्ड अबाउट द इंसिडेंट। कहा कि भारत की माँ इंदु से जब उनकी मुलाकात हुई तो रिधिमा और भारत एक दूसरे के साथ मिलते हैं और एक दूसरे के प्यार में पड़े हैं, वो पहले से जानती थी और भारत को बहुत ज़्यादा वो जानती भी थी। कुछ भी फॉर्मल नहीं था, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे तक थी और इसीलिए बहुत ही ज़्यादा खुश है। वहीं आपको बताना चाहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा नीतू कपूर अपने दामाद को पसंद करती हैं। उन्होंने कहा, दिल्ली में कोकेज़न की वजह से वो गई थी और तब सासू माँ कृष्ण राज ने मुलाकात की थी भारत तख्तानी की माँ से, इंदु से, और फिर इंगेजमेंट अरेंज किया गया था दिल्ली में ही और बहुत ही प्राइवेट था, जिसके बाद इनकी शादी हुई। साल 2006 में रणबीर की बहन रिधिमा की शादी भारत तख्तानी से हुई। 4 साल शादी के बाद बेबी गर्ल समारा का जन्म हुआ और आज वो काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये सारी बातें नीतू कपूर ने शेयर की। वेल, तो आज के स्पेशल प्रोग्राम में हमने आपको बताया नीतू कपूर के स्टेटमेंट के बारे में। नीतू ने स्टेटमेंट में क्या क्या कहा है भारत सहानी को लेकर, जो राजधानी दिल्ली के एक बड़े बिजनेसमैन हैं। गुड़गांव में उनका अपना आशियाना है, जहां रणबीर की सिस्टर रिधिमा कपूर सहानी अपनी बेटी समारा और फुल फैमिली के साथ रहती हैं। अपना ज्वेलरी डिजाइनिंग शोरूम को संभालती है। साथ ही साथ रिधिमा कपूर सहानी योगा के जरिए फिटनेस को लेकर एंथुजियाजिस्ट करती हैं सभी को। और तो और, मुंबई पहुंचकर अपनी मॉम के साथ सेलिब्रेशन में अक्सर शामिल होती है। हस्बैंड भारत सहानी भी फुल ऑन सपोर्ट करते हैं। अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। बी टाउन की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें आप नेक्स्ट 9 न्यूज। टिल देन स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।